मतलब चौथे पीढ़ी में है या ये लड़के या आप लोग मतलब कि पांचवे में है और ये कार्यक्रम जो है तो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, ये पूर्व से ही मतलब कि होते आ रहा है। पालने में ऐसे ही झूलती रहे। हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चैनल का नाम है आरटीके ब्लॉग और इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। क्या कमीला है पूरा इसलिए देख रहे हो बजरंग बली लोटे में पान तीसरी। अरे यार कोई खाने से पहले तो मैं तो बोली जय राम महात्मा गांधी जिंदाबाद। तो फाइनली गाइस हम लोग भुवनेश्वर भाई के यहाँ पहुँच चुके हैं और आते आते हमारा स्वागत नाश्ता से किया जा रहा है, मिठाइयों से किया जा रहा है गाइस। तो मैं तो फोकस करता हूँ खाने पे, आप लोग वीडियो पे फोकस कीजिए और वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। मेरा नाम पॉल टुप्पो, मैं घोघर वासन से यहाँ महलदान से आगे कांसा प्लस पड़ता है। उतना परिचय है बिना ज्ञान परिचय का। हम लोग घूमने दिल्ली, मैं मतलब कॉलेज फ्रेंड है। अच्छा, नवान और ये मेरा नाम संदीप है, मैं भी गोबर बसंत पटेल पाने से हूँ, साथ में हम लोग पढ़ाई करते हैं। गांव के हम दोनों एक ही गांव के। मैं बोल रहा हूँ ये वाली काफी बेटी लोग के बराबर है। मैम बताएंगे। वही गहरा बोल रहे हैं जो उससे थोड़ा आगे है, उसी ब्लॉक में है ना। हाँ हाँ, उसे उधर एक दियागढ़ होता है। हाँ वही चश्मा। मैं जान परिचय करना चाहता हूँ। गलत मत समझिएगा, गलत नहीं सोच रहे हम लोग। अरे आप ही घर से आई है? कहाँ से? सीतापुर से। तो गाइस अचानक हम लोग भुवनेश्वर भाई के यहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे लोग देख के एकदम अचंभित हो गए दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन टाइम चल रहा है, भुवनेश्वर के पिताजी और उनके ससुर हमारे बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उसी का सेशन है अभी। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अगर आप चाहे हम रहे किसी के गाँव में, हम नए चेहरे के साथ पहुँच जाएँ तो लोग बाग देख के पूछेंगे ही। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और पे सेट कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो का सेशन को बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है हमसे। मैं प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का, हमारे सरिया में कहीं से ही बतौली ब्लॉक से, और अभी रिटायर की कगार में 5 साल बाकी है। बहुत है फिर तो, 5 साल लगे। और आज मैंने लोगों के बीच मैं हूँ, तो मेरे को आप लोग जब आए उसी समय देख करके मेरे को खुश लगा कि कम से कम मेरा बेटी दामाद लोग
ऐसा ऐसा आदमी के साथ दोस्ती किए ऐसा लग रहा था यहाँ बैठ कर आप लोगों का बात को मैं सुन रहा हूँ जानकारी नहीं रहा हाँ नहीं था जब शादी दोस्त का हुआ था तभी देखे थे उसके बारे में हम भूल गए थे उस समय थोड़ा सा एक ही बात तो गाइस मैं अभी आपको उन व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जिसकी तारीफ हम कम से कम 4-5 घंटा से बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे। तो गाइस अभी वो काफी अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ अभी जुड़े हैं। तो गाइस इनसे मिलिए और कुछ हम लोग इनके लाइफ के बारे में जानते हैं। तो गाइस इनको सबसे पहले तो इनके घर में जो लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं कि वे उनकी परवरिश अच्छी से करें। तो यहाँ पे अपने भुवनेश भाई की मतलब सासू माँ है और इस साइड उनके पिताजी हैं। ये पिताजी हैं, वो ससुर जी हैं और ये हमारी माता है। तो चलिए भुवनेश भाई से पूछते हैं कि मतलब इनके घर में आज जो भी प्रोग्राम हुआ था वो कैसे हुआ, कितने लोग आए थे और इनकी बिटिया का नाम क्या रखा गया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं मेरी बिटिया का नाम है ईशानवी उर्मी पहाड़िया और आज इसके हम लोग यहाँ बरही बोलते हैं और जगह जगह में छठी बोलते हैं और छठी के बाद इसको बरही मनाया जाता है। तो आज हम लोग इसी कार्यक्रम को रखे थे यहाँ पे और गांव से सभी लोग लगभग आए थे और इसके लिए आशीर्वाद देके गए हैं ये आगे अच्छे से रहे करके। तो हम लोग अपनी परवरिश में इसको बहुत अच्छा रखेंगे। मुझे गांव वाले सहयोग की आप लोग सहयोग की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू भाई, ये तो हमारा सौभाग्य है। तो गाइस सबसे पहले तो पिताजी से पूछते हैं कि यहाँ पे कैसे बसना हुआ इतना दूर, हम तो परेशान हो गए आते आते, गाड़ी का जो टायर रहता है वो स्लिप हो रहा था। गाइस मैं बता नहीं सकता कितना मतलब डर लग रहा था कि गाड़ी में चला पाऊंगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो पिताजी से ही पूछते हैं कि यहाँ पे कितने साल से बसे हुए हैं और यहाँ मतलब बसने का क्या राज है। बेटा ये चौथा पीढ़ी हो गया, बहुत पहले से हम लोग बसे हुए हैं, चौथे पीढ़ी में है या ये लड़के या आप लोग मतलब कि पांचवे में है और ये कार्यक्रम जो है तो हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, ये पूर्व से ही मतलब कि होते आ रहा है। ये मतलब कि अभी मेरा नातिन जो है तो इसकी मतलब कि छठी हुई जहाँ की बहुरिया के मायके के यहाँ अभी मतलब कि बरही हो रहा है। अच्छा तो इसे बरही कहते हैं, बरही कहते हैं। अच्छा हाँ अभी ये तो अब इसके बाद तो ये कहिए कि जन्म संस्कार का मतलब ये कार्यक्रम समापन है। अब यहाँ से कुछ करना हो सके मतलब अगला वो करेंगे जन्म दिवस। अच्छा पहला जन्म दिवस फिर मनाएंगे, वो करते रहेंगे जब ही सभा हो। अच्छा, तो अभी मतलब इसका कार्यक्रम मतलब कि जन्म की ओर से मतलब कि ये दो क्रम ये समापन है। ठीक तो आपका यहाँ रहना कितना साल से हो रहा है, बचपन से? बचपन से। तो गाइस अभी हम अपनी प्यारी बेटी ईशानवी उर्मी के लिए कुछ कुछ गिफ्ट आइटम लेके आए हैं, उसे हम देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने माता पिता के साथ फले फूले और उनका नाम रोशन करे। गाइस आप लोग भी हमारी प्यारी बेटी ईशानवी उर्मी के लिए प्रार्थना कीजिए कि उनके जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई ना आए और साथ ही साथ उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइस आज के हमारे मुख्य हीरो हैं इस वीडियो के भुवनेश्वर भाई। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने एक मिसाल कायम की है, वो भी एक दोस्ती की। वो अपने दोस्तों से आज तक अलग नहीं हुए हैं और इनके दोस्त भी शादी होने के बाद एक परिवार में बन जाने के बाद कई दोस्त तो जुदा हो जाते हैं, छूट जाते हैं गाइस, लेकिन इनकी दोस्ती एक मिसाल ही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं सभी शादीशुदा हैं फिर भी
अपने सारे परिवार के साथ खुशी खुशी एक नए परिवार का निर्माण कर रहे हैं। पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो रंगों के गीत की तरह। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी।